अन्य सारे गलत स्रोतों से एपीआई इकट्ठा करे, तब हमारा प्रमोशन होगा। एक नेता बनता है वो अनपढ़ गवार रहता है, हमारे ऊपर कानून बना के थोप देता है। आईएएस एक बार पढ़ के हो गया, जिंदगी भर वो राज करेगा। केवल शिक्षक ही है जो परीक्षा दे, कारण इसका क्या है भाई? एपीआई अगर हमको इकट्ठा करना है तो हम क्लास छोड़ करके रिसर्च पेपर लिखेंगे, कहीं सेमिनार में जाएंगे, संगोष्ठी में जाएंगे, तीन तिकड़म से हम एपीआई इकट्ठा करेंगे और अपना प्रमोशन कराएंगे, बच्चों का उससे हित प्रभावित होगा। इसलिए इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। जिस कॉलेज से जो स्टूडेंट पढ़ता है, आईएएस पीसीएस बनता है, उस कॉलेज का नाम होता है, लेकिन अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया है कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा किसी लड़के ने देश के अंदर या विदेश के अंदर फिजिकल माध्यम से देश का नाम रोशन करा है। ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन का बच्चा कहीं नाम नहीं रोशन किया। हमारे कुलभास्कर के टीचर हैं फिजिकल एजुकेशन के, जो हमारे संघ के महामंत्री हैं, इनके कई छात्र जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। तो अगर वो उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं तो वो जरूर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकेंगे। दिक्कत यह है कि हमारे उस कॉलेज लेवल पर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि हम उनको संवार करके और आगे पहुँचाएँ। जो ये आपकी लाल फीताशाही नौकरशाही है, ये सारी सुविधाओं का संकेंद्रण केवल मुख्यालय पे करती है, बेसिक स्तर पे वो सुविधाएं नहीं पहुँचत। जरूरत शुरुआत की है कि वो बेसिक सुविधाएं हमारे कॉलेजों में उपलब्ध हों, तो हम वहाँ से प्रतिभाओं को निखार कर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाएंगे।